शहर में अब चोर भी हाईटेक हो चुके हैं। यहाँ शादी समारोह में थ्री पीस सूट पहनकर पहुंचे चोर ने जेवरों से भरा महिला का पर्स उड़ा लिया। चोर अब इतने हाईटेक हो चुके हैं कि बड़ी होटलों में आयोजित शादी समारोह में थ्री पीस सूट पहनकर वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। 24 जून को इंदौर स्थित होटल में आयोजित शादी समारोह में एक बदमाश थ्री पीस सूट पहनकर बच्चों के साथ पहुंचा और जेवरों से भरा पर्स चोरी कर भाग निकला। मामले में नानाखेड़ा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। बलबीर सिंह पिता हरदयाल सिंह निवासी विवेकानंद कॉलोनी के केमिकल फैक्ट्री संचालक हैं। 24 जून को उनके पुत्र इंद्रजीत की शादी समारोह में महिला संगीत का कार्यक्रम इंदौर स्थित होटल में आयोजित किया गया था। कोरोना नियमों के अनुसार कार्यक्रम में सीमित मेहमान आए हुए थे। बलबीर सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी कविता के हाथ में लेडीज पर्स था। रात करीब 10:30 बजे कविता सिंह ने कुर्सी के पास पर्स रखा और किसी काम से वे चली गईं। तभी करीब 12 वर्ष के बच्चे ने जेवर व रुपयों से भरा पर्स उठा लिया। वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें अच्छे कपड़े जूते पहने एक अनजान बच्चा दिख रहा है। वहीं एक अनजान व्यक्ति भी थ्री पीस सूट, चेहरे पर मास्क पहने पर्स ले जाते हुए दिख रहा है। बलबीर सिंह व उनके परिजनों ने होटल के अलावा बाहर के भी कैमरे के फुटेज चेक किए। उनमें उक्त व्यक्ति और बच्चा पैदल फोर लेन क्रॉस करने के बाद इंदौर की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। बलबीर सिंह ने बताया कि पुत्र की शादी में बहू के परिजनों ने उपहार में 1.5 तोला वजनी सोने का हार, चांदी की पाजेब बिछा दी थी जो पर्स में रखे हुए थे। इसके अलावा पर्स में मोबाइल व 20,000 रुपए भी रखे हुए थे जो बदमाश चोरी कर ले भागे।